नमस्कार दोस्तों पढ़ाई से दोस्ती इस अपने YouTube चैनल पर सबका स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया तो ये जोग्राफी थ्रू मैप्स की जो हमारी सीरीज है उसका ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अलग अलग फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में कौन कौन से फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं सो ब्रॉडली हमें कुछ पाँच छः नाम पता होते कौन कौन से फॉरेस्ट होते ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है राइट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है थॉर्नी फॉरेस्ट होता है हिमालयन फॉरेस्ट होता है तो इस तरीके के कुछ पाँच छे नाम हमें पता होते हैं लेकिन एक्चुअली इंडिया में अलग अलग सोलह प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वो फॉरेस्ट कौन से तो हम इस मैप के जरिए जानने का प्रयास करेंगे तो ये जो मैप है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया हुआ मैप है दोस्तों ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये हर दो साल बाद किया जाता है इंडिया में और उन्नीस से इसका शुरुआत हुई थी अभी जो 2017 में हुआ वो पंद्रहवा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया था 2019 में जो हुआ वो सोलहवा था तो ये जो मैप है ये अकॉर्डिंग टू टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उनका एक रिपोर्ट रिलीज होता है इंडियाज स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट तो उस रिपोर्ट का ये एक हिस्सा है ये वाला मैप तो उसके जरिए हम अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़ा सा आ, मैप है बड़ा प्यारा है कलरफुल है अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो ये जो इंडेक्स है इसमें आप देख सकते हो अलग अलग कलर कोड यूज किया है टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ओवर हियर सो द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट सो देखो हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसा सिंगल फॉरेस्ट के नाम से हम जानते थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को राइट जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले जहां पे सनरेज ज्यादा होते हैं और बरसात भी अच्छी खासी होती है तो ऐसे एरिया में ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं लेकिन ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी सब डिवाइडेड सब डिवाइड किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ओके उसके बाद है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट उसके बाद है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट ओके सो इस तरीके से आप देख सकते हो जो भी ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां पे कंटिन्यूस बारिश होती है या कोई आ, स्नो मेल्ट होके अगर कोई वाटर असर उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को मिलता है तो उस फॉरेस्ट को बोलेंगे हम वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट उसके बाद है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब क्या कि एवरग्रीन तो रहता है वो फॉरेस्ट लेकिन उसको जो पानी मिलता है वो साल के कुछ समय में ही मिलता है रिमेनिंग time of the year that particular forest grow by using the moisture available in the soil so it is a semi evergreen forest or moist deciduous forest tropical moist deciduous forest kya hote hai just the evergreen forest khatam hone ke baad jo agla forest ka track चालू होता है तो उसे ये moist deciduous forest कहा जाता है क्योंकि वो जो इलाका होता है वो थोड़ा नमी वाला इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादा सूखा नहीं पड़ता लेकिन वहां के जो फॉरेस्ट होते हैं वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट एरिया में लाई करने वाले फॉरेस्ट होते हैं ओके और वो पतझड़ करते ड्यूरिंग द नॉन मॉनसून डेज सो दैट इज नोन एज मॉइस्ट डेसीड्यस फॉरेस्ट तो इन तीन फॉरेस्ट के बारे में पहले देख लेते हैं दोस्तों ये तीन कलर याद रख लो एक है स्काई ब्लू दूसरा है ये पिंक कलर और तीसरा है ये लाइट ग्रीन कलर सो so यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिंक कलर देखो कहाँ कहाँ पर है so these are the semi evergreen forest okay then we have the this one color okay so it is a very small located over here in western ghat okay so let me remove this highlighted part so you can able to observe this color properly okay so this part basically this is a tropical wet evergreen forest okay then near to this here you can able to observe tropical semi evergreen forest okay and the entire green belt over here this one then this this one belt okay so it is tropical moist deciduous forest okay so don't bother about all these uh, things so you just have to remember the tropical forest so western ghat eastern ghat some part of central india and the northern india and some part of this uh, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सो हियर यू गेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर आपको और डीप में स्टडी करने हैं तो ये तीन पार्ट्स आप देख सकते हो उसके बादल एंड स्वैंप फॉरेस्ट जिसे मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कभी कभी कहा जाता है क्योंकि ये स्वैंपी फॉरेस्ट होते है ओके स्वैंपी एरिया में मिलते है ट्रॉपिकल ड्राई डिड्यूअस फॉरेस्ट ये एक अलग टाइप होता है उसके बाद ट्रॉपिकल थर्नी फॉरेस्ट होते तो इस तरीके से अलग अलग फॉरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं जो भी समुन्दर का तट होता है तो वहाँ पे अगर कोई स्वैम्पी एरिया है कोई लिटोरल एरिया है तो उस एरिया में ये पाए जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यह है सुंदरबन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वैम्पी एरिया है यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसके बाद ये उड़ीसा का कुछ पार्ट आप देख पाओगे ये वाला पार्ट आप देख पाओगे यहाँ पर ये वाले फॉरेस्ट मौजूद है कुछ पार्ट वेस्टर्न घाट सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी है जो कि लिटोरल एंड स्वैम फॉरेस्ट से ढका हुआ है ओके देन ट्रॉपिकल ड्राई डिडियस फॉरेस्ट शोन बाय दिस डार्क ब्लू कलर सो हियर यू कैन सी दिस ट्रॉपिकल ड्राई डिडियस फॉरेस्ट ओके सो दिस एंटायर पार्ट इज ड्राई डेडियस फॉरेस्ट कंसिडर दिस क्या है? कि ये एरिया तो है लेकिन यहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर सिर्फ मानसून का पानी हमें मिलता है मानसून के बाद जो भी सूखा आता है क्योंकि जो भी मानसून के पास जो आठ महीने होते तब कुछ मंथ के लिए दो या तीन मंथ के लिए जमीन का जो गीलापन होता है वो टिका रहता है बरकरार रहता है उसके बाद समर सीजन में पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो पेड़ पौधों को पानी मिलता नहीं है सो दे यूज टू शेड देयर लीव्स सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट तो इसके बारे में भी हमने चर्चा की उसके बाद है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट तो देखो दोस्तों ये जो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है ये इस लाइट ब्राउन कलर से दिखाई गए तो ये वाला जो एरिया है ना सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र सेंट्रल साउथ सेंट्रल महाराष्ट्र कर्नाटका सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु जो भी ब्राउन कलर से दिखाया गया है उसके बाद ये गुजरात और कच्छ का पार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सम पार्ट ऑफ राजस्थान पंजाब एंड यूपी सो दिस एंटायर बेल्ट इट इज ऑक्युपाइड बाय दिस ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट तो इसमें क्या होता है बबुल जैसे पेड़ होते हैं जो बहुत कम पानी के क्षेत्र में उगाए जा सकते हैं या उगते हैं वो पेड़ तो इस तरीके से पेड़ होते हैं कि जिनके जो स्टेम होते हैं या जिनके लीव्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं स्टेम के ऊपर अंकुशदार कुछ नुकीले काटे जैसा स्ट्रक्चर उसका होता है ओके कैक्टस जैसे भी बहुत सारे आपने देखे होंगे या कई किसी किले के ऊपर ट्रेकिंग के लिए आप गए होंगे तो पहाड़ में से एक ऐसा कैक्टस जैसा पेड़ निकल के आता है देखो सो so अ प्लांट विच इज थॉर्नी प्लांट एंड इट रिक्वायर्स वेरी लेस वॉटर एंड इट कैन एबल टू ग्रो प्रॉपरली इन दिस ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत कम पानी आता है देखो दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रेन uh, होता है कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल उसके बाद ये जो एरिया होता है यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से जो भी बादल सयाद्री को लांग के इस तरफ आते तो उसमें ह्यूमिडिटी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो उसके वजह से यहाँ पे रेन छाड़ू रीजन फॉर्म होता है ओके सो so ये रेन छाड़ू रीजन में आपको ये ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट दिखाई देंगे उसके बाद है सब ट्रॉपिकल ड्राई डिस ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल मीन वॉट ये जो इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच ये जो एरिया होता है सपोज यहाँ पे कई इक्वेटर है ओके okay? और ये वाला जो एरिया ये ट्रॉपिकल है लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया ये टेम्परेट एरिया बन जाता है ओके सो तो टेम्परेट एरिया बनता भी है तो जस्ट इक्वेटर के ऊपर वाला जो होता है उसे सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है ओके सॉरी so ये वाला सब टेम्परेट होता है और ये वाला जो होता है इन दोनों के बीच ये होता है सब ट्रॉपिकल ओके ये वाला सब ट्रॉपिकल और ये वाला होता है

तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है ये बहुत इनडेप्थ एनालिसिस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का क्योंकि आपको बस अगर ब्रॉडली याद रखना है तो आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देन ड्राई डिस फॉरेस्ट थॉर्नी फॉरेस्ट स्वैम्पी एंड लिटोरल फॉरेस्ट इनके बारे में याद रखना है और जो हिमालयन और माउंटेनस फॉरेस्ट होते हैं जिसे हम अल्पाइन वगैरह के नाम से जानते हैं तो ये कुछ छः सात इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको याद रखने हैं लेकिन अगर आपका जोग्राफी ऑप्शनल है फॉर यूपीएससी एग्जाम और एनी डिफरेंट एग्जाम इफ यू आर डूइंग सम स्पेशलाइजेशन देन यू हैव टू स्टडी दिस दिटीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया ओके सो सब ट्रॉपिकल ब्रॉडल्यूज हिल फॉरेस्ट भी इंडिया में पाए जाते हैं उसके बाद सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे देखो ये वाले पाइन फॉरेस्ट है ओके okay? ये वाले शुरू में मैंने आपको ये वाले जो फॉरेस्ट है वो सेमी एवरग्रीन बताए थे बट मेक करेक्शन ओवर हिस्सर दे आर द पाइन फॉरेस्ट ओके लोकेटेड एट अ कंपेरेटिवली हाई देन अदर फॉरेस्ट देन वी हैव ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट शोन बाय दिस येलो कलर हियर यू कैन एबल टू सी देन वी हैव माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट सो हियर इन ब्लू कलर यू कैन एबल टू सी टेम्परेट वेट फॉरेस्ट ओके

फॉरेस्ट ओके सो ये आपको याद रखना है उसके बाद है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट तो ये ऑरेंज कलर से बताए गए है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट इसे बोलते हैं okay? है। सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट तो अल्पाइन और सब अल्पाइन ये बहुत ज्यादा पाए जाते है ओके okay? सो so, ये वाला रीजन आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ पार्ट ये वाला है